हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 9th की रहेगी और फटाफट हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्पादन की पहली आवश्यकता है। आपको बताना है कि उत्पादन की सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होती है। तो पहले का आंसर डियर स्टूडेंट्स भूमि आ जाएगा, क्योंकि अगर भूमि ही नहीं होगी तो उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, पहली आवश्यकता भूमि है, बाकी और भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं, मतलब जो कृषि के अलावा जो क्रियाएं हैं उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। तो जैसे परिवहन, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। औजार, मशीन, भवन उदाहरण है। आपको बताना है कि जो औजार है, ये जो मशीन है, जो भवन है, वो किसके उदाहरण है। देखिए, ये सारे के सारे जो है ना स्थायी पूंजी कहलाते हैं। ठीक है, देखो स्थायी पूंजी वो होती है जो एक बार खरीदी जाती है और काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज़ किया जाता है और उससे लाभ कमाया जाता है। ठीक है, तो औजार, मशीन, भवन जो है वो क्या है, स्थायी। ऐसे ही कार्यशील पूंजी होती है जो आप फटाफट से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया और पैसे हो गए, वो कार्यशील पूंजी में आते हैं। तो यहाँ से पूछा गया था, ये जो औजार, मशीन और जो भवन है ना, ये किसके उदाहरण है, तो आप किसके बताओगे, स्थायी पूंजी के। अब नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है। ठीक है, अभी देखो हमने ऊपर भी करा, तो वही चीज़ दोबारा यहाँ पूछ लिया कि स्थायी पूंजी इनमें से कौन है। तो हम जानते हैं मशीन है, क्योंकि ऊपर अभी मशीन का उदाहरण दे रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो है ना। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, ग। ठीक है, मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है, मतलब आज के ज़माने में जो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, जो नई नई फसलें उगाई जा रही हैं, तो उसका जो प्रभाव है ना वो कौन सा इस पे से नहीं है। पहला, मिट्टी की उर्वरता में कमी। देखो ये तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम बहुत सी नई नई फसलें उगा रहे हैं ना, हम उत्पादन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मिट्टी की जो ताकत है ना वो कम होती चली जा रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये प्रभाव है। हमसे पूछा गया कौन सा प्रभाव नहीं है। फिर कह रहे वनों की कटाई, ये भी सही है कि आधुनिक खेती करने के लिए बहुत से इलाकों को जो है ना वो कवर करते चले जा रहे हैं और पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। भूमि स्तर में कमी, भाई ट्यूबवेल चलेंगे तो पानी की कमी तो होगी होगी। उसके बाद कह रहे उत्पादन में कमी, देखिए ये इसका जो है प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक खेती इसीलिए कर रहे हैं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, तो ये इसका प्रभाव नहीं है, तो घ आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि उत्पादन का प्रयोजन, मतलब उद्देश्य क्या, आखिर उत्पादन हम कर क्यों रहे हैं, वस्तु उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल सही। ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। तो देखो उत्पादन कर ही इसे ले रहे हैं। ठीक है, जिसके सारे के सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो 6th क्वेश्चन है उसका क्या है, आपका डी आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से नोट कर सकते हैं, इस बार अलग डिज़ाइन में दिया गया है ना, वर्कशीट आपने देखी होगी। अब 7th है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो जब हम एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं उसे हम बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुविध फसल प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कह रहा है पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं। तो जो पालमपुर में गांव है ना, तो उसमें जो किसान अपनी बचत का प्रयोग, कुछ लोग कृषि में कर लेते हैं, ठीक है, जब उनको इतनी बचत नहीं हो पाती तो कुछ लोग गैर कृषि में कर पाते हैं। ठीक है, गैर कृषि में आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई परिवहन का काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है ना, तो आपको देखो अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से गैर कृषि कार्य होते हैं और कौन से कृषि कार्य होते हैं। तो उपरोक्त दोनों आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आ गया, 8वें का ग है। देखिए जो 9th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, पालमपुर पड़ोसी गाँव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कारण, इस गाँव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। जब आप पालमपुर का जो पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का खोलेंगे तो उसके पहले पेज पर ही आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट भी आपको मिलेगी, ये भी मिलेगी होगी। इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रू हैं, है ना। लेकिन एक बात बताइए, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से सीधे जुड़ा हुआ है, क्या उसका कारण ये है कि पालमपुर में विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती हैं। नहीं,
लोकेशन का हिसाब है, इस वजह से ऐसा था। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसका सही जो है कारण नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों की तरह ट्रू है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ख होगा। अब उसके बाद देखते हैं टेंथ में क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है। देखो जो उत्पादन होता है ना, उसके चार जो है ना मुख्य कारक होते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ये अच्छे से याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट होती है भूमि। और हमने यहाँ क्वेश्चन भी अच्छे से करा था, मैंने आपको इसमें बताया था, ठीक है, कि भूमि जो है उत्पादन की पहली आवश्यकता होती है। ठीक है, वही लास्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही पूछा गया, तो ये बिल्कुल ट्रू है। हाँ बिल्कुल ट्रू है। फिर कारण दिया कि इसका कारण है कि कच्चा माल हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो देखिए ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका जो है ना कारण नहीं है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन सही है। और मैंने आपको बताया भी था कार्यशील पूंजी वो होती है, ठीक है, जो उत्पादन के काम में यूज़ होती है, उसके बाद उसे बार बार जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, जैसे कच्चा माल बार बार चाहिए उत्पादन करने के लिए, हाथ में पैसा बार बार चाहिए, है ना, तो ये जो है कार्यशील पूंजी बिल्कुल ट्रू है ये, और ये भी ट्रू है, लेकिन ये जो कारण है ना वो इसका सही नहीं है। तो हम किस पर टिक करेंगे, इसमें भी खा पर टिक करेंगे। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, और आप सबको शुक्रिया, आप वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।